हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूँ रिमता, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सुपर नेचुरल सीजन 1 का एपिसोड 3 और 4। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर क्वेस्ट राइट ऑफ द सीरीज। शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ एक लड़की, उसका भाई और डैड रहते हैं, और इस लड़की का नाम है सोफी। अब सोफी पास के लेक में तैरने जाती है जब उसे वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसे कोई खींच लेता है और उसकी मौत हो जाती है। और इसी घटना का आर्टिकल डीन को पेपर में दिखता है और वो सैम को बताता है कि 18 साल की सोफी लेक में गई और वापस नहीं आई। इस तरह होने वाली ये तीसरी घटना है और तीनों लोगों की बॉडी तक नहीं मिली। अब डीन और सैम सोफी की फैमिली से वाइल्ड लाइफ एजेंट बन के मिलते हैं। जब सोफी का भाई बताता है कि सोफी एक अच्छी स्विमर थी लेकिन उसके डूबने का कोई निशान नहीं है। सैम पूछता है कि क्या उसने पानी में कोई शैडो देखी थी, लेकिन उसके भाई ने कुछ नहीं देखा था। अब इन्हें पुलिस से पता लगता है कि पुलिस ने लेक में खोज करी लेकिन उन्हें कोई बॉडी नहीं मिली। अब उस पुलिस ऑफिसर की बेटी एंड्रिया अपने बेटे लूकस के साथ वहाँ आती है। लूकस कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि वो बुरे दौर से गुजरा है। अब इंटरनेट से इन्हें पता लगता है कि 35 साल में 6 लोग लेक में गायब हो चुके हैं और इसकी वजह लॉकनेस मॉन्स्टर को बताया गया है क्योंकि लोगों ने उसे देखा था, लेकिन सोफी के मामले में किसी ने कुछ भी नहीं देखा। अब इन्हें पता लगता है कि लूकस के डैड उस लेक में डूब गए थे। तब लूकस उन्हीं के साथ था लेकिन लूकस को बचा लिया गया था। इस ट्रॉमा की वजह से लूकस ने बोलना छोड़ दिया और अब सैम और डीन लूकस से बात करने के लिए जाते हैं। डीन लूकस से कहता है कि वो जानता है कि लूकस को कैसा लगता है। वो लूकस से जानने की कोशिश करता है कि उसने लेक में क्या देखा था, और लूकस डीन को एक ड्राइंग बना के देता है। नेक्स्ट सीन में हम सोफी के भाई को देखते हैं जब सिंक में पानी भरने लगता है, और सोफी का भाई जब सिंक में हाथ डाल के पानी निकालने की कोशिश करता है तो उसे कोई खींच लेता है और डुबा कर मार देता है। ये बात सैम और डीन डिस्कस करते हैं और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि ये कोई क्रीचर नहीं है और पानी का सोर्स भी एक ही है, यानी कि वो लेक जहाँ लोग डूबे थे और गायब हो गए थे। यानी उसने सोफी के भाई को सिंक में डुबा के मारा है तो वो कहीं भी जा सकती है। और अब ये लोग सोफी के डैड से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन सोफी के डैड बात नहीं करना चाहते और वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जाते वक्त डीन देखता है कि जो ड्राइंग लूकस ने उसे बना के दी थी वो सोफी के घर की थी, यानी वो जानता था कि अगला कौन मरेगा। ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस लोगों को पहले से जान लेना या साइकिक एबिलिटी में उन्हें सेंसिटिव बना देता है। अब ये लोग लूकस के पास वापस जाते हैं और लूकस उन्हें एक छोटे बच्चे की ड्राइंग बना के देता है, और ड्राइंग में बनाई गई जगह डीन और सैम पहुंचते हैं। जब इन्हें पता लगता है कि एक छोटा बच्चा पीटर स्कूल से घर वापस नहीं आया और गायब हो गया, और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, उस बच्चे के दोस्त और कोई नहीं सोफी के पिता, और वो पुलिस ऑफिसर था। सैम और डीन देखते हैं कि सोफी के डैड बोट लेकर लेक में चले गए हैं और उनकी बोट को कोई लेक में खींच लेता है और वो भी मर जाते हैं। इधर पुलिस ऑफिसर को पता लगता है कि डीन और सैम वाइल्ड लाइफ से नहीं है, और वो पुलिस ऑफिसर उन्हें टाउन छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद सैम और डीन टाउन छोड़ के जा रहे होते हैं। जब डीन को लगता है कि पुलिस स्टेशन में लूकस उसे कुछ बताना चाह रहा था, इसलिए वो वापस लूकस के घर जाता है। और इधर हम देखते हैं कि अब वो चीज एंड्रिया को बाथ टब में डुबा के मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैम और डीन आके एंड्रिया को बचा लेते हैं। अब सैम एंड्रिया से पूछता है कि उसने क्या सुना। जब एंड्रिया बताती है कि उसने एक बच्चे की आवाज़ सुनी थी जो बोल रही थी कम प्ले विद मी। अब लूकस उन्हें एक जगह ले जाता है और उस जगह खोदने पे इन्हें पीटर की बाइक मिलती है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आके इन्हें रोकता है, और यहाँ हमें सारा सच पता लगता है कि सोफी के डैड और इस पुलिस ऑफिसर ने पीटर को बुली किया था और उसका सर पानी में डुबा के रखा था। ज्यादा देर पानी में सर डूबे रहने की वजह से वो डूब गया और उसकी वहीं मौत हो गई और उसकी बॉडी भी नहीं मिली। पुलिस ऑफिसर और सोफी के डैड ने पीटर के मरने के बाद उसकी बाइक को दफना दिया ताकि किसी को पता न चले। सैम कहता है कि पीटर की स्पिरिट उन सबको मारेगी जिसे ऑफिसर प्यार करता है, ताकि उसे वही दर्द महसूस हो जो पीटर की माँ को हुआ, और एंड में वो उसे भी मार देगी। अब इधर पीटर की स्पिरिट लूकस को लेक के पास बुलाती है और उसे खींच लेती है, और पुलिस ऑफिसर पीटर की स्पिरिट को देखता है और कहता है कि पीटर उसे ले ले और उसकी फैमिली को छोड़ दे, और पीटर ऑफिसर को खींच लेता है और ऑफिसर डूब के मर जाता है, और डीन लूकस को पानी से बाहर निकालता है और लूकस की जान बचा लेता है। इसके बाद हम एक बाथरूम का सीन देखते हैं जब एक काला धुआं एक आदमी को पजस कर लेता है, और यह आदमी फ्लाइट में सफर करता है। जब प्लेन की एयर होस्टेस अमेंडा देखती है कि उस आदमी की आंखें काली हैं, और वो आदमी प्लेन का एग्जिट डोर खोल देता है जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है,
इसके बाद हम जेसी को देखते हैं। जेसी उसी एयरपोर्ट पे काम करता है और अब वो डीन को कॉल करके उसकी मदद मांगता है, क्योंकि डीन के डैड ने पहले केस में उसकी मदद की थी। अब यह आदमी उन्हें कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें किसी के गुर्राने की आवाज रिकॉर्ड हुई थी और उस प्लेन क्रैश में सिर्फ 7 लोग बच गए थे। कॉकपिट में ईवीपी भी था जिसकी रिकॉर्डिंग में सैम को एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि नो सर्वाइवर, जबकि 7 लोग बच गए थे। अब ये लोग उन सर्वाइवर से मिलते हैं जब उन्हें उस आदमी के बारे में पता लगता है जिसकी आंखें काली थीं। और अब ये लोग सिक्योरिटी ऑफिसर बनके प्लेन के टुकड़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं और जब डोर हैंडल पे डीन ईएमएफ लाता है तो ईएमएफ की लाइट जलने लगती है और ये लोग उस पे लगी लेयर को टेस्ट करने के लिए ले लेते हैं। टेस्ट से पता चलता है कि वो सल्फर है, यानी कि डेमोनिक पोजीशन, क्योंकि ज्यादा चीजें सल्फर के अवशेष नहीं छोड़ती। ये बताता है कि कैसे एक आम आदमी के पास इतनी स्ट्रेंथ आई कि वह एग्जिट डोर खोल सके, लेकिन कोई डिमोनिक पोजीशन प्लेन क्रैश करवा दे। डीन ने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। अब अगली सुबह जेसी डीन को बताता है कि उस फ्लाइट का पायलट भी क्रैश में मर गया। दरअसल वो भी पजस्ड हो गया था और उसने प्लेन क्रैश कर दिया था और इन्हें उस पायलट के प्लेन क्रैश से भी सल्फर मिलता है, यानी ये डीमन बचे हुए सर्वाइवर को एक एक करके मारेगा, जैसा वॉइस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड था कि नो सर्वाइवर्स। डीन और सैम को पता चलता है कि ऐसे 6 फ्लाइट्स क्रैश हुई थी जो कि लैंड करने से 40 मिनट पहले क्रैश हुई थी। 40 मिनट ये एक बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी है और नोआस आर्क के मुताबिक नंबर 40 मतलब की डेथ। सैम बचे हुए सर्वाइवर को फोन करता है और इन्हें पता लगता है कि उन सर्वाइवर्स में से सिर्फ अमांडा ही फ्लाइट में जा रही थी और अब अमांडा की फ्लाइट 40 मिनट पहले क्रैश होने वाली है। अब डीन और सैम अमांडा की फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और डीन चेक करता है कि इस बार फ्लाइट पे कौन पजस्ड है। पहले उन्हें अमांडा पे शक होता है, इसीलिए डीन अमांडा के सामने क्रिस्टो बोलता है। लैटिन में क्राइस्ट को क्रिस्टो बोलते हैं, लेकिन अमांडा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अमांडा पजस्ड नहीं थी और न ही कोई पैसेंजर। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, दरअसल उस फ्लाइट का पायलट पजस्ड था, क्योंकि उसके सामने आते ही ईएमएफ की लाइट जलने लगती है। अब ये लोग सारा सच अमांडा को बताते हैं और उसे पायलट को बुलाने के लिए कहते हैं और जैसे ही अमांडा पायलट को बुला के लाती है, डीन और सैम उस पे एक्सोर्सिज्म करते हैं। जब वो डीमन सैम से कहता है कि उसे पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैसे मरी, लेकिन ये लोग प्रेयर पढ़ते रहते हैं और हम उसके अंदर के डीमन को बाहर निकलता देखते हैं, लेकिन वो डीमन अभी भी प्लेन में था जिससे प्लेन क्रैश होने वाला था। लेकिन सैम उस प्रेयर को पढ़ के पूरा करता है जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। एंड में उन्हें जेसी से पता लगता है कि उनके डैड ने डीन का नंबर दिया था, लेकिन जब सैम ने अपने डैड के फोन पे कॉल किया था तो वो आउट ऑफ सर्विस आ रहा था, लेकिन अब उनका कॉल वॉइस मेल पे जाता है जहाँ उनके डैड कहते हैं कि अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो उनके बेटे डीन को कॉन्टेक्ट करें, जिसके बाद ये लोग अपने डैड को ढूंढने निकल जाते हैं। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सप्लेनेशन सुपरनैचुरल सीजन 1 के एपिसोड 3 और 4 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक और कमेंट भी करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।